दोस्तों यार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों WhatsApp पर अभी के टाइम में अगर आपको कोई भी ब्लॉक कर देता है तो आप WhatsApp पर उसको मैसेज नहीं कर सकते। यहाँ पर दोस्तों अगर आप उसको मैसेज करोगे तो WhatsApp पर जिस बंदे ने आपको ब्लॉक किया है उस तक आपका मैसेज बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। मान के चलिए यहाँ पर बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया, अब मैं अगर इनको हाय बोलूंगा तो हाय बोलने के बावजूद भी उनके पास ए वाला मैसेज नहीं जाएगा। मेरी तरफ से तो हाय सेंड हो जाएगा बट वो यहाँ पर ये मैसेज नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनने आपको ब्लॉक कर दिया। मैं एग्जांपल के लिए आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी ब्लॉक पर्सन से आप व्हाट्सएप पर बात कैसे कर सकते हो, चैट कैसे कर सकते हो, वो भी आपके उसी वाले नंबर से जिस नंबर से उसने आपको ब्लॉक किया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए। तो इससे पहले दोस्तों अगर आप वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब किसी भी ब्लॉक पर्सन से व्हाट्सएप पर बात करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने व्हाट्सएप के अंदर आना है। अंदर आने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे क्लिक करना है जो प्लस का आइकन बना हुआ है। तो स्टार्ट चैट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको जाना है सबसे ऊपर न्यू ग्रुप। न्यू ग्रुप पर जाने के बाद यहाँ पर आपको किसी एक फ्रेंड को ऐड करना है जो आपका क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए आपने किसी भी एक क्लोज फ्रेंड को किया यहाँ पर ऐड। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम गए नेक्स्ट, यहाँ से हम एक ग्रुप को क्रिएट करेंगे। अब जिस दोस्त को आपने यहाँ पर ऐड किया है आपको इस दोस्त को बना देना है इस ग्रुप का एडमिन। एडमिन बनाने के बाद अब आपको क्या बोलना है कि भाई तू उस बंदे को यहाँ पर ऐड कर दे इस वाले ग्रुप में जिसने मुझे ब्लॉक किया है। आपको क्या करना है, जिसने भी आपको ब्लॉक किया है ना, आपको अपना उस वाला नंबर इस वाले बंदे को सेंड कर देना है। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको ब्लॉक किया तो आप अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर अपने इस वाले दोस्त को सेंड कर दीजिए जिस दोस्त को आपने अपने ग्रुप में ऐड किया है। अब वो क्या करेगा, वो तो भाई एडमिन बन चुका है तो वो इस वाले ग्रुप में आपकी बंदी को ऐड कर देगा। ऐड होने के बाद वो खुद इस ग्रुप से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब इस ग्रुप में कौन कौन बचेगा, आप बचेंगे एंड आपकी बंदी बचेगी जिसने भी आपको ब्लॉक किया है। तो आप दोनों ऐसे ग्रुप क्रिएट करके बड़ी आसानी से एक दूसरे से चैटिंग कर सकते हो अपने उसी वाले नंबर से। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही आसान सी ये वाली ट्रिक है। आई होप दोस्तों आप इस ट्रिक का यूज करना सीख गए होंगे एंड अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।